मॉडल मॉडल क्या, अब बताते हैं मॉडल क्या है। अपन फॉर एग्जाम्पल हम MVI में जाते हैं, MVI की वेबसाइट पर जाकर गेट स्टार्ट पर जाते हैं और यहाँ आकर हम करते हैं बेसिक मॉडल। तो अपने क्या बहुत सारे मॉडल मिल जाते हैं, ठीक है। ओपन मॉडल पर क्लिक करेंगे, ये मिल गया और बेसिक मॉडल हो गया। तो इस टाइप के हम अपना बनाएंगे, ठीक है, अपना। और हम उसको रीयूजेबल बनाएंगे कि मतलब अगर हम एक मॉडल बना दें उसको पूरे वेबसाइट में, पूरे कहीं पर भी, वेबसाइट के बाहर भी कहीं भी, समझ रहे हो। बाहर मतलब आप फोल्डर को कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी डालोगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ मॉडल करके। कौन सा मॉडल बनना है भाई? यार बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, चलता है इतना। RFC करके ओके, मैंने इसका नाम दे दिया मॉडल। ये हो गया मॉडल, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं app.js में, जैसे कि है अपन एक एचन बनाते हैं मॉडल करके, बना दिया। अब हम कंट्रोल ही अपना मॉडल आ गया, ओके। अब हम जाके देखते हैं तो अभी कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सॉरी एनपीएम स्टार्ट ही नहीं किया, कहाँ से चलेगा, सॉरी भैया। एनपीएम स्टार्ट कर लिया और अपने को यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से मॉडल लिखा हुआ गया, ठीक है। अपन मॉडल बन थोड़ा सा हम सेस देख लेते हैं, मैं कर देता हूँ स्टाइल और डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर विड्थ कर लेते हैं 100%, हाइट भी देख लेते हैं 100 VS। तो ये वो सेंटर में आ गए, तो ये तो फ्लेक्स डायरेक्शन देख लेते हैं, कॉलम कर देते हैं, ठीक है। हम बना रहे हैं मॉडल, अब अपन जाते हैं मॉडल के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली मॉडल क्या होता है, मॉडल एक तरीके से ये होता ना यार कि अब जैसे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा आप देख रहे हो बैकग्राउंड ब्लैक सा हो गया, और क्लोज वाला नहीं क्या, कोई दिक्कत है ना। अपन देखते हैं जैसे मॉडल पर क्लिक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड, और यहाँ पर क्लोज का बटन आएगा, क्लोज करते हो, क्लोज हो जाए, ओपन करते हो, ओपन हो जाए, बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है कि पता चले कि भाई तुम एक मॉडल पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस सबसे पहले स्टाइल करेंगे सबसे अपने पेरेंट को, यह है डिस्प्ले, डिस्प्ले बाहर में जाना चाहिए, बैकग्राउंड चीज का RGBA, सॉरी गाजर बैकग्राउंड मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, 0.5 करके हो गया। और भाई विड्थ 100%, हाइट 100%। अगर हम जाते हैं ये रोको, आप इस तरीके से ये मतलब 100% है कि ओपन नहीं है, बट अगर हम इसकी पोजीशन कर देते हैं कि ऑब्जर्व नहीं फिक्स्ड, तो एग्जैक्ट जैसे हम चाहते हैं वो वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। बट ये यहाँ चला गया, बट कोई ना, अभी के लिए दिख रहा है ऐसा, अपने को ऐसा नहीं चाहिए भाई, अपने को चाहिए इसके बाहर। ऐसा करते हैं, एक बटन बनाते हैं, लगते हैं ओपन, ठीक है, ये ओपन आ गया। अब एक काम करते हैं, स्टेट बनाते हैं, ये स्टेट इसके अंदर तो देंगे ओपन और सेट ओपन, बाय डिफॉल्ट हम इसको रखेंगे फॉल्स, यूज स्टेट को कर लेंगे ऊपर इम्पोर्ट यहाँ पर, ठीक है। अगर ओपन ट्रू होगा तो ही हमें ये मॉडल दिखाना, अदरवाइज नहीं दिखाना। आ गया समझ में, ओके आ गया, गुड। तो बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रहा, मैं जैसे ओपन पर क्लिक करूँगा तो मैं स्टेट चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो मैं ऑन क्लिक पर क्या करता हूँ, क्लिक पर क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ हैंडल, चंडीगढ़ हैंडल ओपन, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल ओपन करके, एरो फंक्शन बनाया हमने, सेट ओपन करके हम क्या करते हैं इसको ट्रू कर दें। आप देखो मैं जैसे क्लिक करूँगा ओपन, एक तरीके से मतलब एक प्योर नहीं बट हाँ ठीक है, एक लेवल तक बन गया, ठीक है। अभी मॉडल के अंदर ये है पूरा 100%। अब हमें चाहिए बीच में छोटा सा मॉडल इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से प्यार से एक छोटा सा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और डी बनाएंगे,
उसमें कंटेंट लिखेंगे अपना जो भी है, और जो कंटेंट यहाँ पर चला गया लेकिन अपने को डिस्प्ले करते हैं। फ्लेक्स अलाइन आइटम इज सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखो यहाँ पर सेंटर में आ चुका कंटेंट, ठीक है। अब हम इसको स्टाइल दे देते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर है तुम्हारा वाइट, ठीक है, और पता नहीं RGB इसको छोड़ा तो सीधा FF दे देते हैं, ठीक है। हाइट 300 पिक्सल, विड्थ जो विड्थ है वो है 200 पिक्सल, और बॉर्डर रेडी थोड़ा सा बॉर्डर रेडी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस से 10 पिक्सल, तो पैडिंग देते हैं 10, ओके, ये आपका एक तरीके से 300 विड्थ होगा, विड्थ 500 200 देते हैं, ओके, ये ज़्यादा हो गया बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा 4 दे देते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा अपने पास एक मॉडल बनकर आ गया, ठीक है। मैं रीलोड करता हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ओपन हो गया, ठीक है। एक तरीके से ये अपना एक H1 है जो कि टाइटल है, ठीक है। उसके अंदर सॉरी क्या हो गया, और उसके अंदर एक P हम बनाएंगे, अभी के लिए इतने बना रहा हूँ मैं, C1T E1T कॉन्टेंट हो गया, टाइटल H1 और ये, इसको भी हम सेम की इसको सेंटर कर देते हैं, क्या दिक्कत है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें उसको हम सेंटर कर देते हैं, लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन देते हैं हम कॉलम, ठीक है। ये देखो टाइटल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लोज का बटन भी दे देते हैं, नीचे ही दे देते हैं, एक बटन लगा देते हैं क्लोज करके, ठीक है। और जैसे कोई क्लोज करता है सेम ही होगा एक तरीके से, बट हैंडल CLOC क्लोज, ठीक है। सेम एक और बनेगा हैंडल क्लोज बट ये फॉल्स, ठीक है। ओपन को कर देंगे हम क्लोज, यार UI तो आप लोग बना ही लोगे, मुझे भरोसा है, पर जैसे हम ओपन करेंगे तो आपका ये मॉडल ओपन हो गया, आप क्लोज करोगे, ओपन करोगे, क्लोज करोगे, बेसिकली, ठीक है। तो अपना एक सिंपल सा मॉडल तैयार बनकर तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको रीयूजेबल बनाना, जैसे कि ओपन है, ओपन 1 ओपन 2, मैं अलग अलग चाहता हूँ, बेसिकली मैं क्या करूँगा, लाइक इसको कॉपी और पेस्ट करूँगा, ये देखो अब ये 2 बन गए, इस पर अलग है ये अलग है, अब पता कैसे चलेगा, सही बात है, पता तो कैसे चलेगा। तो मैं सब कहेंगे यहाँ से इन दोनों के टाइटल पास कर देंगे कि टाइटल में क्या क्या है, जैसे कि मॉडल 1, ठीक है, उसको दे देंगे मॉडल 2, और ये जो टाइटल है हम इसको एज अ प्रॉप यहाँ पर पास कर लेंगे, ठीक है। ये टाइटल और ये जो टाइटल हमने लिखा है इसको एज अ टाइटल को टाइटल बनाएंगे, तो मॉडल 1, ओके, मॉडल 2 इक्वल कहाँ से आ गया भाई, ओके, क्लोज, ओपन टू, तो चाहो तो इसका भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि टाइटल है तो हाँ इसको भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइटल की मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3, ठीक है। अब आपका कंटेंट भी चेंज करना, तो आप कंटेंट करके यहाँ पर रिकॉर्ड बना लो, CONTENT कंटेंट, कंटेंट में तुम जो भी लिखना चाहो, देखो कंटेंट 2 टाइप से हो सकता है, पहला कंटेंट ये नॉर्मल बिल्कुल आप स्क्रीन में पास कर सकते हो, मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पर, नंबर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा मॉडल 2 का है, फिर मैं यहाँ से टाइटल के लिए एक और कंटेंट पास कर देता हूँ जो भी है, और ये कंटेंट, ठीक है। मॉडल 1 के अंदर कुछ भी ABCD वगैरह आ रहा है, और मॉडल 2 में ही आ रहा है, तो आप कंटेंट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ओके। और आप कंटेंट इस तरीके ना देकर आप बिल्कुल एक H1 P1 कुछ भी बना सकते हो, ताकि थोड़ा और अगर आपको अच्छा ना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं H1 में भेजूँ ये, तो आप देखना ये देखो H1 में आ गया, ठीक है। CSS सब ठीक कर लो, और अगर आप चाहते हो कि आप H1 में ना भेज के बिल्कुल अलग कोई एक अलग ही कंपोनेंट बनाना चाहते हो, माई कंपोनेंट करके कुछ बनाया अपने, और यहाँ पर बनाना चाहते हो माई कंपोनेंट, ठीक है, और उसको पास करना चाहते हो, आपको पता है कंपोनेंट कैसे पास कर सकते हो, मॉडल 2 में जाओ तो माई कंपोनेंट, तो बेसिकली बहुत ही पावरफुल है। अगर आप एक थर्ड एक और चाहते हो मॉडल 3,
माय कंपोनेंट के जगह अब आप नॉर्मल स्ट्रीम पास कर लो मॉडल 3 के अंदर नॉर्मल स्ट्रीम, ठीक है ओके। तो आई होप कि तुम आपको पसंद आया होगा। आप चाहते हो कि अगर कुछ ना इसकी स्टाइल भी चेंज करें, जैसे इसका कलर चेंज करना, तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर चेंज करते हो, लाइक अगर आप यहाँ पर चेंज करते हो तो दोनों के चेंज होंगे, तो बेसिकली आपको CSS भी यहीं से भेजनी पड़ेगी। जैसे मैं एक पास कर देता हूँ स्टाइल करके, स्टाइल में इसका बैकग्राउंड कलर एक का दे देता हूँ मैं रेड, एक का दे देता हूँ मैं ग्रीन, और एक का दे देता हूँ मैं पिंक, ठीक है। अब मैं स्टाइल को यहाँ से पास कर दूँगा एज ए सेम प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पर जो अपने स्टाइल नॉर्मल लिखते हैं स्टाइल करके, उसमें मैं क्या करूँगा स्टाइल पास कर दूँगा, ये देखो सबके अलग अलग कलर हो गए। अगर आप स्टाइल देना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसकी तो बॉर्डर रेडियस अलग देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर रेडियस कुछ भी आडी आप देना चाहते हो 20 px, ठीक है। अब आप देखिए इसको 20 px लगे, बाकी की नहीं हुई। फिर आप एक काम करिए, ये थोड़ा सा लोड है हाइट का, तो एक काम करते हैं ये अपन मिनिमम हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस बाहर जा रहा था जो, अगर आप इसको हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी, आप अलग अलग तरीके से इस कंपोनेंट बना सकते हो, उसके साथ यूज कर सकते हो, और या ठीक है आप CSS को अलग कर सकते हो, एक अलग फाइल बना सकते हो। मैंने बेसिकली आपको एक फंक्शनलिटी बताई कि आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आप पावरफुल एक मॉडल एक पॉपअप बना सकते हो, जिसका कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अलग अलग CSS लिखो, अलग अलग जस्ट प्रॉप्स पास करो, CSS एक जगह लिखी दे आपने, और ओके गाइस। बैकग्राउंड थोड़ा सा झेल लेना यार, सॉरी आज थोड़ा बैकग्राउंड ख़राब था, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया वैसे। ओके बाय।